Hello everyone, I'm Dr. Dharam from Physiotherapy Department, Manipal Hospital, Dwarka. I'm going to talk about something today about lifestyle disease. Lifestyle disease से हमारा क्या मतलब है? Lifestyle disease से हमारा मतलब ये है कि हम हमारी जो दिनचर्या है और उसमें जो जिस तरीके से दिनचर्या होनी चाहिए अगर उसमें कुछ ठीक से रख रखाव या उस तरह से हमारा खान पान या हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है इन सब चीजों का अगर नियम का पालन ना हम करें तो कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो हमें होने लगती हैं। जैसे एक एग्जांपल है जो जैसे डायबिटीज है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज के ही कैटेगरी में आती है। बहुत सारे लोग आजकल हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आते हैं जो बैक पेन, नेक पेन और पोस्चर रिलेटेड पेन के साथ आते हैं, वो भी एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का ही एक रूप है। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। सो इस तरह की डिजीजेस आजकल बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए आज इस एरा में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। WHO ने हमें रेकमेंड किया है कि किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए और WHO का रेकमेंडेशन है कि एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन। सो सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करें और कैसे उसको ठीक करें इसके लिए आपको जो कंसल्टेंट है जैसे डाइटिशियन है, लाइफस्टाइल मेडिसिन एक आदमी का काम नहीं, एक कंसल्टेंट का काम नहीं है। उसमें फिजिकल थेरेपिस्ट होगा, उसमें एक जनरल फिजिशियन होगा, उसमें आपको डाइटिशियन से भी राय लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको खाना क्या खाना है, आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, कितनी एक्टिविटी डेली होनी चाहिए, इन सब की रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपने आपको फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में लाते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं है, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई, ऐसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं और उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिस्क फैक्टर्स हमारे लाइफ में, ये रिस्क फैक्टर कुछ एक होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। जैसे हम अगर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करें तो जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई हेरिडिटरी है हार्ट की बीमारी की आपकी फैमिली में, तो हेरिडिटरी तो हम चेंज नहीं कर सकते। आपको हाइपरटेंशन की हेरिडिटरी है लाइफ में, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इस तरह की चीजें हैं जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए, जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो रक्त की धमनियां है वो खुलेंगी और हमें उसमें क्लॉट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हम अगर अपने हार्ट को फिट रखेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। सो कुछ इस तरह की जो लो लिपिड डाइट लेंगे, अगर अच्छी डाइट लेंगे तो भी हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में मॉडिफाई कर सकते हैं और वो है खानपान और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम अलग रखते हैं, लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क जो है सबसे ज्यादा है और उनकी वजह से ही ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। तो मेरा मैसेज यही है आप सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको कि अपनी लाइफ स्टाइल को आप कैसे मैनेज करें, इसके लिए एक्सपर्ट कंसल्ट करें लोगों से। बहुत सारे ऐसे लाइफ स्टाइल फिजिशियंस हैं, लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिजीजे जहाँ ट्रीट करते हैं लोग, हमारे वहाँ हॉस्पिटल में भी हैं, फिजिशियंस हैं और हमारा अच्छा डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डाइटिशियंस हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपने जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करें और अपने रिस्क जो है स्ट्रोक, हार्ट अटैक और इन सब चीज़ों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू।